हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे मंडे को मार्केट काम करती है, और हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमने कल को काम किया था, तो क्या क्या लेवल्स थे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, इनको देखकर आप सीख सकते हो प्राइस एक्शन का बेसिक, एडवांस नहीं, बेसिक सीख सकते हो। तो हम चलते हैं अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चार्ट को 15 मिनट पर लेंगे, क्योंकि 15 मिनट पर लेवल्स अच्छे निकलते हैं, तो इसमें हमें आसानी हो जाती है लेवल्स निकालने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हम 15 मिनट का चार्ट लेंगे। तो और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदा ये सोचता है कि कॉल पुट लेके वो अमीर हो जाएगा या फिर एक कुछ ही मंथ में अमीर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम प्रीवियस में देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रिस्टेंस था, या कहाँ से मार्केट गया था, उठा था, ये सब हम इसमें देखेंगे, कहाँ से गिरा था या कहाँ से ऊपर गया था मार्केट। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ न्यू टॉपिक इसमें आज कवर किया जाएगा। तो मैं ये सबसे पहले यहाँ पे जो लेवल्स हैं इनको लगा देता हूँ कि हम लेवल्स कैसे निकालते हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया हो या फिर जहाँ से मार्केट नीचे गया हो, वहाँ पे हम इस लेवल्स को मार्क करते हैं। तो ये मैं इधर अपने लेवल्स को मार्क कर लिया है यहाँ पे। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, याद रखना टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। और ये यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे 5 मिनट पे जाएंगे, और 5 मिनट पर हम एनालिसिस करके फिर ट्रेड बनाते हैं। मतलब देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है और कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही रिस्टेंस पे आएगा तो हम पुट में जाएंगे, और जैसे ही सपोर्ट पे आएगा तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। पर जब हम ट्रेड में कंफर्मेशन लेंगे तो कितनी कंफर्मेशन में काम होता है, इसका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ पे एक रिस्टेंस भी है, और दूसरा यहाँ पे एक फिबो का लेवल भी है। यहाँ पे मतलब दो कन्फर्मेशन है। फर्स्ट कन्फर्मेशन कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, सेकेंड कन्फर्मेशन कि यहाँ पे फिबो का लेवल है जो कि 0.5 या फिर 0.6 है। ये दो लेवल्स होते हैं यहाँ पे, तो इस पे हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मतलब हमने ऐसे दो कन्फर्मेशन यहाँ पे ले लिया है कि हमारा एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारा यहाँ पे फिबो का लेवल है। तो हमने यहाँ पे पुट साइड एक एंट्री बनाई है, और इस एंट्री को बनाने का लॉजिक भी यही है कि यहाँ पे दो कन्फर्मेशन थी हमारी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि एक यहाँ पे फिबो का लेवल था और दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे निकाला था यहाँ से। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी दो कन्फर्मेशन पे हमने यहाँ पे पुट साइड ट्रेड बनाया, और एक हमारा एम पैटर्न भी था। तो कुछ कन्फर्मेशन लेने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड बनता है। अगर आप सोचते हो कि रैंडमली ट्रेड कर ले तो वो रैंडम ट्रेड आपको लॉस देगी, तो रैंडम ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको पता हो तभी आप ट्रेड मारें, वरना तो किसी की कॉल पुट में ऐसे घुसे मत, क्योंकि ये लॉस बहुत तगड़ा करा सकते हैं। अब मंडे को क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी, तो उधर से मार्केट ने दोबारा फिर ऊपर जाने की कोशिश की। और अगर मार्केट ने अब जाना हुआ तो ये जो एक लेवल्स मैंने निकाला है यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, नहीं तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये जो लेवल्स हैं अपने यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के चांस होंगे, या फिर मार्केट मंडे के दिन साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि साइडवेज के चांस रहते हैं मार्केट में, तो साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। तो इस तरह हम मंडे को ये काम कर सकते हैं, ये लेवल्स होंगे, ये मंडे को काम करेगी बैंक निफ्टिया से। तो मैं इसको अब रिमूव करता हूँ, मतलब यहाँ से अब हम जाते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी में कैसे वर्क होगा, इस पे हम देखेंगे। तो चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट पर। तो ये मैं निफ्टी के चार्ट पर आता हूँ यहाँ पे, और निफ्टी के चार्ट पे हम क्या देखेंगे, मतलब क्या करना होता है निफ्टी के। पहले हमें 15 मिनट पे अपना टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा, 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्सपोर्ट एंड रिस्टेंस को हमें मार्क करना होगा। तो मैं ये चार्ट जो है इसको थोड़ा प्रीवियस में ले जाता हूँ, और यहाँ पे हम प्रीवियस में देखेंगे सपोर्ट एंड डिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये सपोर्ट एंड डिस्टेंस में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्टेंस है और कम लेवल है, तो ये यहाँ पे कम मतलब ज़्यादा यहाँ पे इसका यूज़ होगा लेवल्स का, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी बार ऊपर जा सकती है और गई है, और काफ़ी बार नीचे भी आई है। तो यहाँ हम इन लेवल्स को मार्क करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये लेवल्स मार्क किए हैं, ऐसे ही आप भी लेवल्स को मार्क करना, तभी आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगी, क्योंकि लेवल के बेस पे मार्केट काम करती है। और अगर आपको लेवल ही नहीं आते हैं तो फिर आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लेवल भी इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर।
तो मैंने यहाँ पे इनको मार्क कर लिया है, ये आप देख सकते हैं मैंने इनको मार्क कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आए हम, तो यहाँ आप सिंपल देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेडी बनाया था टेलीग्राम में, जाके आप देख सकते हो, टू ट्रेडर है, चार है टेलीग्राम, तो वहाँ आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ से मार्केट गई। ये आप पहले इसको देखोगे कि यहाँ पे अब कल का चार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट बुलिश गया, तो इसको करेक्शन भी तो कहीं से लेना होगा ना, तो उस करेक्शन के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ था, तो अब इसको थोड़ा सा क्रिएशन के लिए नीचे आना पड़ेगा, करेक्शन होगी तो मार्केट में फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर नीचे की तरफ रैली कंटिन्यू कर सकती है। तो इस पर यही थिंकिंग थी हमारी। और यहाँ पे हमने पुट साइड एक ट्रेड भी लिया था, ये आप देखोगे हमने यहाँ पे फीवो यूज़ किया था, क्योंकि फीवो के लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपको फीवो यूज़ करना नहीं आता तो आप, मैंने वीडियो डाली है, आप उसमें देख सकते हो कि फीवो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट साइड एंट्री लिया, और जो ये हमारा स्पॉट है यहाँ तक हमने इसका टारगेट रखा, तो ऐसे हमने यहाँ पे वर्क किया। और इसमें भी दो तीन कंफर्मेशन थी ट्रेड में, इस ट्रेड में तीन कंफर्मेशन कैसे थी कि एक तो बड़े लेवल्स पे हमारा रेजिस्टेंस था, उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, और दूसरा हमारा आप देखोगे डबल टॉप, ये हमारा एक डबल टॉप था, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, और एक फीवो का लेवल। तो हमने तीन कंफर्मेशन पे यहाँ पे ट्रेड बनाया अपना, और ये तीन कंफर्मेशन पे ट्रेड बनाया, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग एक लेवल था, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। और सेकंड ट्रेड हमने दोबारा पुट के लिए, जब ये हमारे लेवल्स जैसे रेजिस्टेंस के नीचे आया, तो हमने यहाँ से फिर पुट की एक ट्रेड बनाई, जो ये हमारा स्पॉट है, यहाँ तक हमने इसको रखा था टारगेट। तो ऐसे मार्केट में हमारे टारगेट हिट हुए, दो मतलब दो टारगेट हमारे निफ्टी के अंदर हिट हुए। और इनका कारण यही था कि जो ये अपने लेवल्स होते हैं, जो हम बड़े टाइम फ्रेम पर निकालते हैं, इनको इनका यूज़ करना आना चाहिए, और इनको यूज़ कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। और अब देखो, जब ये मार्केट यहाँ से बुलिश हुई थी, तो चांस था कि मार्केट यहाँ से दोबारा फिर बुलिश होगी, तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ पे ऐसे करके मार्केट दोबारा से ऐसे करके मार्केट ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं, मतलब ऐसे जा सकता है मार्केट, मंडे को काम कर सकता है ऐसे। ये अब हम क्या करेंगे, एक नीचे एक और यहाँ पर लेवल्स निकाल लेंगे, क्योंकि मेन लेवल यही है मार्केट का, मार्केट यहीं से बुलिश हुआ था, तो चांस है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आके या तो साइडवेज कर देगा या फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट मंडे के दिन ज़्यादातर साइडवेज रहती है, तो इसलिए मार्केट में साइडवेज होने के चांस भी है, और मार्केट डाउन भी जा सकती है यहाँ से। तो इस प्रकार मार्केट यहाँ से ऐसे वर्क कर सकती है। तो जैसे मैंने बताया, ऐसे ये जो लेवल्स है ये भी मेन है, इन पर भी आप फोकस करिए, और क्या लेवल कैसे निकलते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ट्रू ट्रेडर HR। और ये मेरी कुछ वीडियोस हैं, इन्हें आप डेली देखें, अगर आप इनको डेली देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये कि ये बेसिक वीडियो है, तो आप इन्हें देख के बेसिक सीख सकते हैं।